हारी बाजी को जीत जाओ तो उसको बाजीगर कहते हैं, जीती बाजी को हार जाओ तो अनफॉर्चुनेटली उसे दिल्ली कैपिटल्स कहते हैं। कैस्ट्रोल एक्टिव प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय टोटल वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट। क्या मुकाबला हुआ ये बॉस, मतलब नेल पाइटर, जिसमें सैम करन की हमने हैट्रिक देख ली, हमने सुपर ओवर देख लिया इस मुकाबले में या इस आईपीएल में। इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है बॉस, ये इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है। और इस मुकाबले को ना, अब वैसे दिल्ली कैपिटल्स को तो थ्रिलिंग टीम क्या है, तो हर मैच में थ्रिलर बना देते हैं, जो आसानी से मैच जीत सकते हैं उसको या तो पूरा फंसा के जीतते हैं या फिर हार ही जाते हैं। और क्योंकि ये मुकाबला आपको हारना नहीं चाहिए था, रन बॉल ही तो चाहिए था, लेकिन वहां पे आपकी गाड़ी पटरी से उतरी और उतरी भी ऐसी कि वापस चढ़ी ही नहीं। रन बॉल ऋषभ पंत सामने कॉल इन इनग्रम, ये मैच तो वेल सैम करन वहां पे उन्होंने करी गेंदबाजी, नई गेंद से गेंदबाजी, पुरानी गेंद से गेंदबाजी, हैट्रिक उन्होंने चटकाया। जो हैट्रिक चटका दे बॉस वो तो है कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर, वेल डन सैम करन। तो नई गेंद से बैटिंग भी करवाई उनको, मतलब ओपन भी, नई गेंद से बोलिंग भी। अब अश्विन फिर आपने उनको ड्रॉप क्यों किया था, पहला मैच खेले थे ना, तो यार फिर दोबारा बीच में खिला लेते, बट देन दैट्स फॉर अनदर डे। और आप यहां तक पहुंचे कैसे, तो पहले आई थी आपकी बैटिंग, तो टॉस जीता दिल्ली ने, कहा हम फील्डिंग करेंगे, फील्डिंग तो की लेकिन फील्डिंग अच्छी की भाई शुरुआत में, सॉरी फील्डिंग अच्छी की, रबाड और मॉरे सबने बढ़िया काम किया, शुरुआती झटके भी दिए, अंत में आके डेविड मिलर की पारी थी जिसने रिस्पेक्टेबिलिटी तक पहुंचाया, एंड ही इज माय डॉक्टर फिक्स टोटल परफॉर्मर। क्योंकि अगर वो पारी नहीं होती तो आप रिस्पेक्टेबिलिटी तक नहीं पहुंचते, 15-20 रन फिर भी शॉर्ट थे, बट देन हु न्यू कि ये मैच इस तरह से पलटी खाएगा। क्योंकि जब दिल्ली कैपिटल्स की बारी आई, पहली गेंद पे पहला विकेट रविचंद्रन अश्विन, फिर शिखर धवन थोड़ी देर खड़े रहे, अंत में तो भैया जब पंत और इंग्रम खेल रहे थे, मैंने कहा अब तो ये गर्मा गर्म मुकाबला है, आसानी से दिल्ली जीतेगा, दिल्ली दूर नहीं है। उन्होंने कहा नहीं बॉस, जब हम खेलेंगे तो मैच एकदम अलाइव रहेगा, ऋषभ पंत, कॉलिन इंग्रम, क्रिस मॉरिस, हनुमा विहारी, हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, उसके बाद एंड में आखिरी बल्लेबाज भी, यानी कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद दिल्ली कैपिटल्स। मेरी प्रेडिक्शन भी खराब करा दी, क्यों करा रहे हो ऐसे यार, जीते हुए मुकाबले को मत हारो भाई लोगों, प्लीज आपसे विनती है। तो ये तो खैर हुई मंडे की बात, ट्यूसडे को क्या है, ट्यूसडे को एक थ्रिलर की हम उम्मीद कर सकते हैं। वो थ्रिलर ये है कि ये दो रॉयल मुकाबले, एक तरफ है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, उनके सामने है राजस्थान रॉयल्स, दोनों टीम यहां पहुंची है पहले पहला या कहीं तीन तीन मुकाबले हार के, तो अब जीत की उम्मीद के साथ सवाई मानसिंह में क्या की जा सकती है उम्मीद, टीम साउदी को खिलाओ, दैट्स माय सजेशन फॉर द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। स्टॉइनिस अवेलेबल हैं क्या, नेथन कुल्टनाइल अवेलेबल हैं क्या, अगर हैं वेल दे वॉक इनटू द साइड, सो दैट्स दैट आरसीबी और रादर आरआर, यू डोंट हैव टू चेंज टू मच, आई एक्सपेक्ट यू टू प्ले द सेम टीम, ऑलमोस्ट द सेम टीम, एंड ऑल्सो पुट अप अ गुड शो, क्योंकि इस मैदान को तो वैसे भी आपने किला साफ बनाया हुआ है। वुड बी माय कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर, I'm going with Virat Kohli in this game once again, क्योंकि जब मंच बड़ा हो तो सरपंच की बात होती है, यहाँ पे जो टीम मुकाबला हार गई ना वो 10 में से 8 मुकाबले जीतने उनके लिए मजबूरी हो जाएगी, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन, सो दिस इज अ क्रूशियल क्रिटिकल एनकाउंटर फॉर बोथ दी साइड्स। हु एम आई पिकिंग एज माय विनर, आई एम गोइंग विद विराट टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टू विन द फर्स्ट गेम ऑफ द वीवो आईपीएल। आरआर सॉरी बॉस, आपका जो किला है ना हो सकता है इसको भेज दिया जाए। नाउ यू गाइस, इफ यू आर मेकिंग अ होम तो फिर वाटरप्रूफिंग करवाओगे ना, करवाओगे तो यार डॉक्टर फिक्सिट को बुलाना पड़ेगा, सो यू कम ऑन, अब तो न्यू कैंपेन इज ऑल्सो आउट, सो प्लीज चेक दैट आउट, एंड द डिटेल्स आर इन द पोस्ट।